तीन चीज़ों का मैं डिस्कशन आज करना चाहूँगा। एक तो बेसिक इटरेटिव कंप्यूटेशंस, मैं आपको एक और इटरेटिव सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आपने फिबोनाची सीरीज सुना है? नहीं सुना? हाँ, क्या होती है सीरीज, वो याद है? बताइए कैसे नंबर जाते हैं उसके। वन तो ये नंबर्स जो हैं, ये सीरीज एक बार चालू हो गई तो शुरू के अगर दो तीन नंबर आपको मिल गए तो अगला नंबर कैसे निकालेंगे? पिछले दो नंबर को ऐड करके, उसके अगला नंबर, फिर पिछले दो नंबर को ऐड करके। अब इसका इटरेटिव सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए हम लोग जो है वो सीरीज यहाँ से शुरू करते हैं, जीरो को नहीं पकड़ते, तो एक नंबर हो गया ये, एक नंबर हो गया ये। मान लीजिए हमारे पास वन और वन है खाली, तो इन दोनों को ऐड करके नया नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी नया नंबर क्या है यह हमें अगर मालूम नहीं है, इसको हम नाम देंगे मान लीजिए H। तो इसके पहले का नंबर जो है वो प्रीवियस H हुआ, उसको नाम दे दिया मान लिया हमने HP। इसके पहले का नंबर प्रीवियस टू प्रीवियस हुआ, उसको नाम दे दिया मान लीजिए एच पी पी, ठीक है? अगर एच पी और एच पी पी मालूम है तो हम एच निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी। अब मान लीजिए हमें कहा गया कि आप ये बहुत सारे नंबर जनरेट करके प्रिंट कर दो, तो कैसे करेंगे? यही काम हमें बार बार करना पड़ेगा। मान लीजिए 50 नंबर प्रिंट करना, ओके, स्टार्टिंग विद द थर्ड नंबर ऐसा समझ, या स्टार्टिंग विद सेकंड, जो भी है 50 नंबर हमें प्रिंट कर, या अप टू एन, ये जब तक जाएगा, तो कोई तो भी एन दिया है वो ऑल नंबर्स लेस देन एन आपको प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करो? एन पढ़ लिया आपने, अब आपको एक के बाद एक नंबर्स अगर प्रिंट करने हैं तो इटरेशन करना पड़ेगा, ओके। जो भी आप नंबर जनरेट करेंगे अगर वो नंबर एन से बड़ा हो गया तो नहीं छापना, आपको बंद कर देना है दुकान, एन से कम है तो छापना है। तो आपका इटरेशन कहीं तो भी जाके कैसे निकलेगा? वो वाइल एच लेस देन एन, बराबर। अगर एच आपका एन से कम है, आपको बोला गया है कि ऐसे नंबर तक लिखो जो एन 1 2 3 4 5 6 एक हजार बोल दिया आपका, एन इक्वल टू 1000, यानी 1000 से कम जितने भी सीरीज के नंबर है सब छापो, 1000 से कम जितने भी सीरीज के नंबर है सब छापो। कैसे छापोगे आप? एन पढ़ लिया तो आ गया वो 1500 जो भी है वो। अब कहीं तो भी मुझे बार बार छापना है, कब तक छापना है? जब तक कौन सा भी नंबर एन से कम, एन से बड़ा हो गया तो मुझे दुकान बंद करनी, छप गए मेरे नंबर। अब इसमें मैं एच कैलकुलेट करूंगा नया वाला, उसको छापूंगा। कैसे छापूंगा उसको? एच इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, एच पी प्लस एच पी पी। अब ये इटरेशन के अंदर अगर हमने ऐसा लिखा है तो एच पी और एच पी पी की कुछ इनिशियल वैल्यू चाहिए हमको, क्या होंगे वो शुरू में, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच पी इक्वल टू 1 और एच पी पी इक्वल टू 1। ऐसे लिखने से इटरेशन के अंदर आने से चालू हो जाएगा काम। अब यहाँ पे एच इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी आ गया, हमने उसको आउटपुट कर लिया, मान लीजिए सी आउट, क्या लिखेंगे? अब यहां से अगर इटरेशन में आगे खत्म वापस जाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर वो एच इससे कम है तो फिर आएगा, फिर वो वही कैलकुलेट करेगा,
वही नंबर कैलकुलेट करेगा फिर से। तो ऐसे अंत दुनिया के अंत तक वो वही नंबर कैलकुलेट करते करते जाएगा, क्योंकि वो तो एच तो एन से छोटा है, तो कैसे अगला नंबर कैसे कैलकुलेट। तो ये देखिए कि ये एच पी है, ये एच पी पी है, और ये मैं एच कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले था वन और वन, ये क्या हो जाएगा दो। अब अगला नंबर मुझे कैलकुलेट करना है टू प्लस वन, लेकिन टू प्लस वन तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, एच पी प्लस एच पी पी हो रहा है। यानी मुझे ये जो नंबर है ये इसमें डालना चाहिए, लेकिन अगर पहले ये नंबर इसमें डाल दूंगा तो ये भी मिट जाएगा, तो उसके पहले ये नंबर यहाँ डाल दूँ। यानी पहले मैं एच पी को वैल्यू जो है वो एच पी पी को असाइन कर दूँ, और फिर एच की वैल्यू जो है एच पी पी को असाइन कर दूँ। तो क्या करूँगा यहाँ पे, एच पी पी इक्वल टू एच पी और एच पी इक्वल टू एच, ये कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ चली गई, ये टू हो गया, ये वन हो गया, वन फिर से वन हो गया। अभी अगले बार आऊँगा मैं तो बराबर हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन हो जाएगा, तीन मैंने छाप दिया। उसके बाद एच पी पी इक्वल टू एच पी में ये जो वन था ये टू हो जाएगा, ये जो टू था ये थ्री हो जाएगा, और फिर मेरा इटरेशन कंप्लीट होकर फिर जाऊँगा मैं वापस। जब वापस जाऊँगा तो फिर ये एच इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी में क्या हो जाएगा इस समय थ्री प्लस टू, यानी ये फाइव हो जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा। अब इसमें दो तीन कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां ऐसी हैं कि जो नंबर है ये व्हाइल कंडीशन जो है ये कहाँ पे टेस्ट होती है, यहाँ पर। शुरू में तो h लेस देन n लिखा, h की क्या वैल्यू है डिफाइन नहीं है। मान लीजिए उस समय h के अंदर 50,000 ऐसी कोई वैल्यू पड़ी है, तो आपका इटरेशन तो ख़त्म हो जाएगा। भले n आपका 100 हो, क्या करना चाहिए फिर, तो शुरू में पहली वैल्यू कैलकुलेट कर ले हम, इसके बाद अंदर आएंगे तो h अगर वन n से कम हुआ तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या कैलकुलेट करेगा, फिर से वही करेगा, इट इज डूइंग अगेन डुप्लीकेट वर्क, बराबर। तो ये क्या ये सही है डुप्लीकेट वर्क करा हुआ है, जब उसने कर दिया है काम तो क्यों ना हम उसको प्रिंट करें यहां पर और अगला नंबर के लिए ट्राई करें। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये यहां लिखने की बजाय अगर मैं यहां लिखूं इटरेशन के अंदर ही लेकिन आखिरी में, तो क्या हो जाएगा लॉजिक। अब क्या होगा देखिए, पहले एच पी इक्वल टू वन हो गया, फिर एच पी पी इक्वल टू वन हो गया, एच इज इक्वल टू टू हो गया, ये टू लेस देन एन है क्या, मान लीजिए है, मान लीजिए एन 100 है कुछ, तो इटरेशन के अंदर आएंगे हम। अंदर आके पहले इसको करेंगे, ये नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे, क्या करेगा, ये छाप देगा वैल्यू, टू वैल्यू निकली है ना वो छाप देगा। अब वो अगली वैल्यू कैलकुलेट करके रख देगा, अगली वैल्यू क्या है, पहले एच पी को एच पी पी में डालो, एच को एच पी में डालो, और फिर नया एच कैलकुलेट करो। इस बार एच जो कैलकुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, वो अभी छपेगा नहीं, ये इटरेशन में वापस जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी नया एच की वैल्यू कंपेयर करेगा, क्या थ्री लेस देन एन है, फिर से जाओ। तो ये ज़्यादा सही है लॉजिक, यानी लॉजिक ऐसा लिखना चाहिए कि इटरेशन के शुरू में पहले आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली, फिर इटरेशन चालू करना है कि नहीं वो देख लिया, अगर चालू करना है तो चालू करने के बाद पहले आप उसको छाप दो और फिर नई वैल्यू कैलकुलेट करके रख दो, जब वापस आओगे तो नई वैल्यू चेक होगी, बराबर। ये लॉजिक समझ गए। अभी इसमें गड़बड़ है, क्या सब वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, कितनी वैल्यूज प्रिंट हुई, हाँ कौन सी, लेकिन लास्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये लास्ट वैल्यू जब यहाँ आएंगे, अगर h लेस देन नहीं है n तो ही वो बाहर जाएगा,
तभी वो प्रिंट नहीं होगी, वो तो करना ही नहीं हमको, एन से कम वाली वैल्यू प्रिंट करना है। मान लीजिए ये करते करते जैसे एन 100 है तो कुछ 53 निकली, 74 निकली, वो तो सब प्रिंट होती जाएंगी। मान लीजिए कोई वैल्यू 104 आ गई, तो जब वापस यहाँ जाएंगे तो 104 इज लेस देन एन 9, आप बाहर निकल जाओगे। यही है ना आपका प्रॉब्लम कि ये वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, लेकिन वो करना ही नहीं है मुझे, एन से नीचे की वैल्यू प्रिंट करना। तो बराबर है लॉजिक, ठीक है, पहली दो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या किया जाए बोलिए। यहां पे हम स्टेटमेंट डाल दें, सी आउट हो जाएगा। असल में हाँ, इनका कहना सही है, एच पी पी पहले होना चाहिए और उसके बाद में एच पी होना चाहिए, क्योंकि एच पी पी ये ओरिजिनल वैल्यू है, एच पी उसके आगे वाली वैल्यू है, ठीक है ना। हालांकि इस परिस्थिति में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीरीज है उसमें पहले दोनों पेजेस जो हैं, पहले दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, वन है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहना सही है कि जनरल प्रॉब्लम जो है इसमें अगर कोई सीरीज दो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसको सबसे पहले एच पी पी उसके बाद में एच पी, अगर दोनों अलग अलग हुई तो वो सीक्वेंस में बराबर आए, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी सीरीज दी जिसकी वैल्यू पिछले तीन टर्म्स पे डिपेंडेंट, तो क्या करेंगे फिर आप? सपोज यू आर गिवन ए सीरीज विच इज नॉट दिस सीरीज बट सम अदर सीरीज, लेट अस से ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव एटसेट्रा, ओके ए वन से ले लीजिए, चलिए। और इसमें यह लिखा दिया, आपको दे दिया है कि ए आई जो है वो इज इक्वल टू डिपेंडेंट अपॉन ए आई माइनस वन प्लस ए आई माइनस टू प्लस ए आई माइनस थ्री, यह मैथमेटिकल फार्मूला दिया। यानी कोई एक सीरीज ऐसी बनाई किसी ने कि जिसमें पिछले तीन टर्म्स का सम जो है वो अगला टर्म, तो इसको इस हिसाब में कैसे करेंगे आप? सिंपल एक्सटेंशन है एक्चुअली, क्या करना पड़ेगा आपको? आप देखिए कैलकुलेशन शुरू ही नहीं कर सकते जब तक कम से कम आपको तीन टर्म्स मालूम नहीं हो। अभी आपको दो टर्म्स लिखा है, एच प्रीवियस और एच प्रीवियस टू प्रीवियस, तीन टर्म्स चाहिए तो एच प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस करना पड़ेगा। यानी ये जो इसका जो प्रोग्राम है वो फिर सीधा इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये लिखने के बजाय इसमें और एक ऐड करेंगे प्लस एच पी पी पी, ठीक है। तो अगर यहाँ हम इसको डिफाइन करें उसी तरह से, इंट एच पी सॉरी एच पी पी एच पी 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 और एच और एक एन भी लगेगा आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इन ग्रेटर ग्रेटर एन, और उसके बाद लाइन से लिख देता हूँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है वो वन टू थ्री ऐसी दी, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे एच पी 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 इक्वल टू वन, एच पी पी इक्वल टू टू, एच पी 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 इक्वल टू थ्री। इसका अगला टर्म क्या होगा आप बताएं मुझे? सॉरी एच, तो अब एच क्या होगा? आपने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था ए आई माइनस वन प्लस ए आई माइनस टू प्लस ए आई माइनस थ्री, उसको आपने वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया। बाकी प्रोग्राम वही का वही होना चाहिए, खाली इसमें एक और आएगा, इसमें आप एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद में दो चीज़ें शिफ्ट करते थे, अब तीसरी भी शिफ्ट करना पड़ेगी।
सबसे पहले ये, फिर एच, और फिर बाद में एच पी पी करेंगे तो सही रहेगा? किस ऑर्डर में करना चाहिए? पहले एच पी 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 वाले को एच पी पी में डालना पड़ेगा, फिर उसको इसमें, फिर उसको इसमें, और फिर आना, ठीक है? तो तीन वैल्यूज भी कैसे करना पता चले? अब ऐसे चार वैल्यूज हो पिछले टर्म पे, पांच वैल्यूज हो, अगर एक ही पिछले टर्म पे डिपेंडेंट है तो क्या करेंगे आप? जैसे अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज का एन एथ टर्म जो होता है वो एन माइनस वन एथ टर्म पे डिपेंड रहता है खाली। तो ऐसा हुआ तो आपको इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एक एच पी पुर जाएगा, प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म के बाद जो फॉर्मूला दिया उससे नेक्स्ट टर्म निकाल, पता चल गया। अब आपको ये बोला गया है कि ऐसी जो सीरीज से टर्म्स निकलेंगी उसको एक एरे में डालें आप। अभी तक तो आप छाप रहे थे, लेकिन आपको बोला गया है कि एक ऐसी एरे है, उसका नाम दिया है एस नम, यानी सिलेक्टेड नंबर्स। इसका मतलब जो n दिया है आपको, n से कम जितने भी नंबर्स हैं, अभी तक तो आप छाप रहे थे, अभी आपको बोला गया कि नहीं छापना नहीं है, एक अलग एरे में डालना है और फिर उस एरे को छापेंगे। अब n की वैल्यू दी गई है आपको, मान लीजिए 100 है, सपोज से 100, तो जाहिर है कि जो नंबर्स निकलेंगे वो 100 तो नहीं होंगे, 100 से नीचे तक के ही नंबर निकालने हैं आपको, तो सब सीरियल नंबर तो है नहीं सीरीज में, तो 100 से नीचे यानी 50 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 से कम ही होंगे, यानी जो भी एरे होगी उसमें 100 से कम ही एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन आपको पता नहीं एन की वैल्यू कौन क्या देगा, तो कोई अज्यूम कर लेंगे कि ये जो एरे है जिसमें हमें सिलेक्टेड नंबर डालना है उसका कोई मैक्सिमम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अगर लिख दें ऐसे इंट और यहां पे कमेंट लिख दें अश्यूम लेस देन 200 नंबर्स सिलेक्टेड, ठीक है? ये अजम्पशन हो गया आपका, बिकॉज यू आर, यू डोंट नो एन में भी, सपोज somebody gives एन एज 1 लाख और 2 मिलियन, then you don't know, you may suddenly escape, but you have to make some assumption. So you are saying, as far as my logic is concerned, it is same, whatever is your number you write it, but I am assuming that the total numbers which will be selected are less than 200. Now suppose I have to put the numbers from the Fibonacci series which are selected like this inside the array. Ab wo main kaise karu? So far I was printing the numbers. अब ये जो array है एस नम, इसके एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, इन एलिमेंट में मुझे वो वैल्यूज डालनी है, छापना नहीं है। सो हाउ विल यू डू दैट, कैसे करोगे आप? सिंपलेस्ट तरीका क्या है? हाँ देखिए, आपको सिलेक्टेड नंबर एरे में डाल रहे हैं, कहाँ पे सिलेक्शन आपका फाइनल हो रहा है? जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं, जो आप प्रिंट कर रहे हैं उसी की जगह, प्रिंट करने की जगह आपको एरे में डालना है। तो कहाँ कहाँ प्रिंट किए हैं आपने? एक यहाँ पे प्रिंट किया है, एक यहाँ पे प्रिंट किया है, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आप प्रिंट करते गए। जो जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको निकाल के आप वो नंबर को एरे में डाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है? अब एरे में हर बार नए एलिमेंट में डालना है, वो कैसे डालेंगे? एरे में डालने का जनरल तरीका क्या है होगा? आपने एच निकाल लिया है तो कहीं तो भी आपका स्टेटमेंट आएगा, जैसे ऊपर ले लीजिए एच पी इक्वल टू 1,
एच पी पी इक्वल टू वन, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया एच इज इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी। यह आपका पहला नंबर आया एच या तीसरा नंबर आया? तीसरा आया। इसको आप अभी छापने वाले नहीं हैं, पहले दो आ गए आप। तो पहले दो अगर एस एस नंबर में डालना है तो कैसे डालेंगे आप? आप उसको बोलेंगे एस नम जीरो इक्वल टू वन, एस नम वन इक्वल टू वन। यानी क्या हो गया, ये जो एरे है इसके जीरोथ एलिमेंट में आपने वन डाल दिया, फर्स्ट एलिमेंट भी आपने वन डाल दिया, आगे पहले दो नंबर। यहाँ पे एस इज एन एरे विच स्टार्ट्स विद जीरो वन टू थ्री फोर, जीरोथ एलिमेंट में पहला नंबर डाला, फर्स्ट एलिमेंट में दूसरा नंबर। अब सेकंड एलिमेंट में क्या डालेगा? ये जो एच आपने कैलकुलेट किया है ये सेकंड में डालना चाहिए। क्या उसको यहाँ लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने सी आउट नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? हो सकता है कि ये नंबर एन से बड़ा हो। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया एन इज इक्वल टू टू, तो उसका मतलब खाली पहले दो नंबर ही छापो, घर जाओ। टू भी लेस देन टू नहीं है तो टू नहीं छाप सकते, तो अभी जो एच निकला वो नहीं छाप सकते। तो स्ट्रिक्टली एक बार ये लॉजिक फ्रेम हो गया अपना और पता चल गया कि भाई जितने भी नंबर हम छाप रहे हैं वो एन से नीचे ही हैं, तो स्ट्रिक्टली जो भी सी आउट स्टेटमेंट है वो जहाँ लिखा था उसी के जगह असाइन करो, बाकी कहीं असाइन करो। यहाँ पे हमने सी आउट लिखा था इसलिए ये असाइन कर। अब इसके बाद हम चालू करते हैं व्हाइल, इसके पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, वो तो स्टेटमेंट रहेगा इधर सी इन एन। अब यहां पे आके सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सी आउट लेस लेस एच कर, ये तो हमने नीचे डाल दिया था, तो सी आउट लेस लेस एच की जगह अभी हमें असाइनमेंट करना। अभी यहां पे हम क्या लिखना चाहिए, एस नम समथिंग इक्वल टू एच, बराबर सी आउट एच की जगह एच को उठा के हमें एरे में डाल, लेकिन किस जगह डालना है एरे में? अगर जीरो और वन में तो डाल दिया है, अब टू में डालेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे टू लिख दिया मान लीजिए, तो उसके बाद तो नया एच कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा यहाँ पर एच पी पी इक्वल टू एच पी हुआ, फिर एच पी इक्वल टू एच हुआ, फिर एच इज इक्वल टू एच पी प्लस एच पी पी हुआ, और उसके बाद में ये इटरेशन खत्म हो गया। इटरेशन खत्म होकर हम जाएंगे वापस, इस बार नया एज कैलकुलेट हुआ है, दो और एक तीन हो गया होगा, तो लेकिन वो तीन भी एन से लेस है मान लीजिए, अंदर आके फिर क्या होगा, आपके पास तीन जाएगा, कहाँ जाएगा, दो में जाएगा। यानी पहले जीरो और वन एलिमेंट में तो हमने बराबर डाल दिए, लेकिन उसके आगे कितने भी हम नंबर हम कैलकुलेट करें वो सबके सब साले यहीं आते जाएंगे एक के बाद, क्योंकि हमने वो टू लिख दिया, वो गलत। यानी कोई तो भी एक इंडेक्स होना चाहिए, पहले ये तय करते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर इटरेशन में नई नई वैल्यू आ रही हैं तो हर नई वैल्यू को हमें नई नई जगह रखना है, तो कोई तो भी इंडेक्स रखना चाहिए। चलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको टू की जगह यहाँ के कर, यानी केथ एलिमेंट में जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो k है इसकी वैल्यू शुरू में क्या रहे, दो रहे, फिर तीन हो, चार हो, पांच हो, जैसे जैसे नंबर मिलते जाए एक एक से बढ़ती जाए। शुरू की वैल्यू मुझे कहां देना चाहिए, इटरेशन शुरू होने के पहले, और उसको बढ़ाना कब चाहिए, इटरेशन के अंदर। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं k इक्वल टू टू, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, शुरू में जब आएंगे तो K2 रहेगा, नई वैल्यू H2 में चले, SNUM2 में चलेगी,
और ये सब करने के बाद में मैं यहां लिख दूं के प्लस प्लस, यानी ये नई वैल्यू निकालो और के को तीन बना के रख लो, अगर वापस गए और वो वैल्यू एन से कम हुई तो वो तीसरे में चली जाएगी, फिर नई वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको चार बना के रख लो, काम आएगी नहीं आएगी हमें मालूम नहीं, जितना भी होगा उतने वैल्यू चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये एरे में आ गई वैल्यू। अच्छा, अब आपको पूछा कि ठीक है भाई, आपने एन से नीचे की वैल्यूज तो एरे में डाल दी, लेकिन कितनी वैल्यूज डाली उसमें? आप वैल्यू एसनम में डाल रहे हैं, एसनम का आपके पास इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, कहीं तो भी आपने लास्ट वैल्यू मान लीजिए यहाँ डाली होगी, तो ये अभी के चल रहा है आपका, के इक्वल टू 2 से 3, 4, 5, 6। ये आप सोचिए कि जब वैल्यू के में जाती है उसके बाद के एक बढ़ जाता है, अगर वो जो नई वैल्यू आपने कैलकुलेट करी और वो मान लो एन से बड़ी हुई तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आप जब वापस आओगे यहाँ पे, तो व्हेन यू कम हियर के विल बी नेक्स्ट पोजीशन, यानी जो नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है जहां पे अगली वैल्यू डालना थी वो आए वैल्यू। मान लीजिए ये के 112 था जहां पे आपने कोई तो भी लास्ट वैल्यू भर दी, तो के की वैल्यू क्या हो गई अब 113। 112th एलिमेंट में आपने वैल्यू डाली है तो के की वैल्यू 113 हो जाएगी, लेकिन कितनी वैल्यूज आपने डाली एरे में? 113 कहाँ डाली? 0 से कहाँ तक? 112 तक। चूंकि एरे इंडेक्स 0 से शुरू हुआ था तो भले ही के इज इंडिकेटिंग द नेक्स्ट पोजीशन, लेकिन उसकी के की जो वैल्यू है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट यू हैव। इसीलिए देखिए एरे को जब हम इटरेशन लगाते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन बोलते हैं, आई इक्वल टू एन नहीं बोलते, जबकि उसमें एन नंबर्स हैं टोटल। तो डायरेक्टली जो है इट इज ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड अप, बराबर, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड अप वो भी है। समझ गए कैसे करना है इसको? अब इसके बारे में आपको थोड़ा इतिहास 2 मिनट के लिए बताना चाहता था, उसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहास है, उसको मैं ये सीरीज आप, हाँ सॉरी बोलिए। ये देखिए के प्लस प्लस और प्लस प्लस के में कोई फर्क नहीं है, अगर स्टैंड अलोन स्टेटमेंट हुआ तो कोई फर्क नहीं है। ये इन्होंने सवाल पूछा है कि के प्लस प्लस लिखा या उसके जगह प्लस प्लस के लिखा तो क्या मतलब, इन दोनों में क्या फर्क? अगर ऐसा स्टेटमेंट आप अलग से लिखते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं, उन दोनों का ही मतलब, इसका भी मतलब होता है के इक्वल टू के प्लस वन और इसका भी मतलब होता है के इक्वल टू के प्लस वन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। फर्क कब होता है? फर्क तब होता है जब इसका उपयोग आप किसी बड़े एक्सप्रेशन में करते हैं, कोई बड़ा एक्सप्रेशन आपने किया। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन, मैंने शायद ये एक्सप्लेन किया था एक बार, शायद आप भूल गए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर बताता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे कुछ लिखा,
मान लीजिए ऐसा मैंने प्रोग्राम लिखा, बता सकते क्या आउटपुट आएगा? पहले आप बताएं एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा। पहले m की वैल्यू यहां पे आएगी, क्या आएगी? 5। फिर n प्लस प्लस की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? यही फर्क है n प्लस प्लस और प्लस प्लस n में। n प्लस प्लस का मतलब है अगर ये किसी बड़े एक्सप्रेशन में यूज होता है n प्लस प्लस, तो n की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको पहले यूज कर लो, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लो, और वो कैलकुलेशन होने के बाद में n को बढ़ाओ, तब तक नहीं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। पूरा काम करके वैल्यू बढ़ाओ। तो इसलिए n की वैल्यू जो इसमें कैलकुलेशन में हिस्सा लेगी वो 2 ही रहेगी, तो k की वैल्यू जो छपेगी वो 7 छपेगी। m की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही है, वो 5 छपेगी, लेकिन n की वैल्यू क्या छपेगी? 2 नहीं छपेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आगे जाने से पहले वो n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर देगा। n इक्वल टू n प्लस 1 तो करना है उसको, कब करना? इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी जो भी वैल्यू है उसको यूज कर लो और यूज करने के बाद में उसको बढ़ाओ, लेकिन अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले बढ़ा के रखो, ये मतलब। तो n की वैल्यू जो है वो 2 ही यूज होगी, लेकिन यहां आते आते उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसकी जगह मैं ऐसा स्टेटमेंट अलग लिखता हूं, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं प्लस प्लस n, वो मतलब वही है, प्लस प्लस लिखूं या k प्लस प्लस लिखूं, दोनों का मतलब यही है, लेकिन कब करना, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट यानी ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने से पहले, अरे बाबा एन प्री इंक्रीमेंट है, पहले उसकी वैल्यू बढ़ा दो, उसके बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करो। तो अभी एम की वैल्यू तो वही रहेगी 5, अभी 5 प्लस क्या हो जाएगा? 3। एन की वैल्यू 2 थी, लेकिन प्री इंक्रीमेंट क्या, यानी उसको यूज करने से पहले इंक्रीमेंट करो, तो 3 हो जाएगी। अब ये अगर यहां पे आएंगे तो k की वैल्यू 8 छपेगी, m की 5 छपेगी, n की हर हालत में 3 ही छपेगी। सॉरी, अच्छा m माइनस है तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ चलो, वो ज्यादा इजी, ऐसे माइनस करेंगे तो क्या होगा? चलिए माइनस, आप बताइए, आप कैलकुलेट करें। ये 5 माइनस 3, सो 2, 5 एंड 3, और अगर इसकी जगह हम n प्लस प्लस लिखते तो क्या होता? 5 माइनस 2 हो जाता पहले, तो 2 के बाद ये 2 की जगह 3 हो जाता, 5, और ये 3 ही रहता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये तो ऐसा गूगली डाला तो आप समझ गए क्या करना, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन क्या इस तरह का स्टेटमेंट लिखना सही है? क्या अच्छा लगता है? क्या किसी को समझ में आएगा आसानी से? अब मैं आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट लिख के बताता हूं, आप मुझे बताएं कि क्या सही लगता है। क्या ये समझ में आसान नहीं है? पहले मैंने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर n को बढ़ा दिया 1 से। यहाँ पे मैंने पहले n की वैल्यू बढ़ा दी, फिर k को कैलकुलेट कर लिया। यही आप कहना चाहते थे ना प्लस प्लस n और n माइनस माइनस n प्लस प्लस से, तो क्या ये ज़्यादा इजी नहीं है समझने को? तो ऐसा क्यों लिखेंगे आप? ऐसा लिखते हैं जो लोग बेकार पेपर सेट करते हैं, वो लोग ऐसा लिखते हैं। और जो लोग ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं कि जो उनको छोड़ के किसी और के समझ में ही नहीं आए, वो लोग ऐसा लिखते हैं।
And sometimes people who write such things as their brilliance, they themselves cannot understand what is happening. It's so confused. So is it a good idea to do that? It's a bad idea. Okay. Ordinary mortals do it. Good professionals don't do it. Good professionals will use K++ wherever it is meaningful. Wherever it is meaningful. And I will show you where it is meaningful. Where you can save. Ultimately what you are saving writing one line. Whether this line is what you are saving, right? This line is what you are saving. And you have to remember whether it is before or after. That's all. Now, agar aisi situation hai ki jahan pe har baar aap koi value use karte hai, to use karne ke baad usko increment karna hi karna hai. To aap wahan pe plus plus use kar sakte hai. Lekin wo expression aisa ho ki uska aur logon se koi taluk nahi ho. Uska sabse badhiya example hai array index. ये k आपने यूज किया है और आपको मालूम है कि k की वैल्यू एक ने बढ़नी है बाद में जो आप यहां कर रहे हैं. अब इसको यहां पे अगर आप k++ लिखेंगे तो वो सही होगा. समझ गया? क्यों? जो k की वैल्यू आई है 2 यूज करके आपने h डाल दिया और k++ हो गया यूज होने के बाद, तो 3 होकर बैठ गया वो. अब अगले टाइम में आओगे तो 3 में जाएगा, फिर वो 4 हो जाएगा. अब देखिए यहां पे खाली एक टर्म है, इसका कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से मतलब नहीं, और वो वैल्यू यूज हो रही है और बढ़ रही है, यूज हो रही है और बढ़ रही है. लेकिन अगर यहां पे आप प्लस प्लस के लिख देते तो क्या हो जाता? ये 2 से पहले 3 हो जाता, यानी थर्ड एलिमेंट में चला जाता. ये दूसरा एलिमेंट जो है मुफल्लस रह जाता, वहां कोई नहीं रहता. वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय फिर k की वैल्यू 1 से शुरू करें. ये आपके ऊपर निर्भर. सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई एक स्ट्रेटजी अपना लें. या तो आप उसको पहले इंक्रीमेंट करोगे या बाद में इंक्रीमेंट. किसी भी एक प्रोग्राम में दोनों कभी मत लिखें, क्योंकि कंफ्यूजन होगा. जो भी आपका स्टाइल है वो लिखें. मेरा स्टाइल है पोस्ट इंक्रीमेंट, और वो इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट है कि हम जब एरे में असाइन करते हैं तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उसको यूज करके एक इंक्रीमेंट करेंगे बाद में. ये नेचुरल है, इसलिए मैं ये स्टाइल से करता हूं. हालांकि जरूरी नहीं है. मैं आर्टिफिशियली के को पहले चालू करूं तो प्लस प्लस के भी लिख सकता था, लेकिन ये मेरा स्टाइल है. तो ये आप कंसिस्टेंटली पाएंगे कि मेरे किसी भी प्रोग्राम में प्लस प्लस के कहीं नहीं लिखा होगा. के प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ऐसा ही होगा. और वो भी कब होगा? किसी एरे इंडेक्स के सिलसिले में होगा कि भाई उसका एरे एक इटरेशन में बढ़ना ही बढ़ना है, तो अलग से स्टेटमेंट लिखने की जगह बढ़ा. लेकिन अगर आपने यहां पे के लिखा खाली और यहां पे के इक्वल टू के प्लस वन लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस एक फर्क ये पड़ता है कि के इक्वल टू के प्लस वन तो आप कहीं तो भी दूर लिखेंगे, तो ये पढ़ने वाले को बाद में समझ में आएगा यार ये के अभी यहां क्यों बढ़ रहा, क्योंकि के का यूज तो आगे हो गया. वहीं के वहीं के प्लस प्लस लिखने में आसानी, या फिर ये लिखने के इमीडिएटली की बात के प्लस की, के इक्वल टू के प्लस वन. ये प्रोग्रामिंग स्टाइल का है. समझ गए ना आप कैसे? अब ये हेमचंद्र नंबर में आपको जो बता रहा था हिस्ट्री, जो इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसको क्यों हेमचंद्र नंबर बोलते. ये हेमचंद्र नाम के इंडियन मैथमेटिशियन थे, बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे. उन्होंने ऐसा सोचा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते ना, 5 चीजें दिए उसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, 3 अलग अलग चीजें दिए उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. सर कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम था. उन्होंने प्रॉब्लम जो ये प्रोफेसर अभिराम नानाडे मेरे कलीग हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम पहले फ्रेम किया था और फिर मैंने उसी प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ाया. ये देखिए उसने क्या बोला कि मान लीजिए एक दीवार बनानी. अब दीवार तो आप ईंटों से बनाएंगे, जनरली सब ईंट एक ही साइज की रहती है, लेकिन मान लीजिए ये जो बनाने वाला है उसके पास अलग अलग साइज की ईंटें हैं. दैट पर्सन हैज ब्रिक्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, वन इज 2 फीट लॉन्ग ब्रिक, अनदर इज 1 फुट लॉन्ग ब्रिक. 2 फीट लॉन्ग, 1 फुट. नाउ ही हैज टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल विच इज 8 फीट लॉन्ग. इन दिस 8 फीट हाउ कैन ही यूज दीज ब्रिक्स, इन वॉट फैशन कैन ही यूज दीज ब्रिक्स? सो वी से that first is he can use 4 bricks of 1 foot each,
सॉरी नॉट 8 फीट, 4 फीट, 4 फीट की दीवार बनानी है, तो क्या कर सकता है वो, एक 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 फीट के 4 ईंटें लगा दे, 2 फीट की एक लगाए और एक एक फीट की दो लगाए, 1 फीट की एक लगाए, 2 फीट की एक लगाए और 1 फीट की लगाए, 1 फीट 1 फीट और 2 फीट लगाए, या दो दो फीट की लगाए, यानी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर ये वॉल 3 फीट की होगी तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 5 फीट की होंगी तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, आप लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये मैंने यहाँ पे बताया है अगले स्लाइड में। अगर 3 फीट की वॉल होगी तो एक एक एक, दो एक और एक दो, इतने पैटर्न हुए, 3 पैटर्न हुए, 4 फीट की तो हमने देख लिया था, 5 फीट की वॉल होगी तो ज़्यादा हो जाएंगे, एक 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 एक, एक दो एक एक एक, एक दो एक एक, ऐसे एक दो दो, इतने हो जाएंगे, दो 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 हो नहीं सकते क्योंकि वो और नंबर। ये तो समझ में आ गया आपको कि 3 फीट 4 फीट और 5 फीट। अब ये 3 फीट के जो जितने भी लोग हैं, फिर ये 4 फीट के जितने लोग हैं और 5 फीट के जितने लोग हैं, इनमें हम कोई कनेक्शन है क्या ढूंढते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये 3 फीट के जितने भी पॉसिबल थे वो सब के सब यहाँ हैं, बराबर, उसके आगे एक 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 और लिख दिया तो 4 फीट की वॉल बन गई। भाई 3 फीट की तो थी, जाहिर है कि 3 फीट का जो भी कॉम्बिनेशन सही होगा उसमें अगर मैं 1 फुट की और लगा दूं तो वो 4 फीट की हो जाएगी। इसके अलावा 4 फीट के लिए ये नए लोग हैं, ठीक है, तो ये 4 फीट की वॉल के टोटल कॉम्बिनेशंस निकालने में मुझे 3 फीट की वॉल के जितने भी कॉम्बिनेशंस थे वो सब और कुछ और, ठीक है। तो ये अब 5 फीट की वॉल जो है ये कैसे आएगी, ये देखिए, ये 5 फीट की वॉल जो है उसमें 4 फीट के वॉल के सब और उसके आगे एक एक फीट का ईंट, और ये जो कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे ये 3 फीट वॉल के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें दो दो फीट की, कॉमन सेंस है, 5 फीट की वॉल बनानी, 4 फीट की वॉल कुछ तरीके से बनी, वो हर तरीके में एक एक फुट का डाल दूँ तो 5 फीट हो जाएगी, 3 फीट की वॉल एक तरीके से बनी उसमें दो दो फुट लगा दो तो मेरे 5 फुट हो जाए, इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, तो इतने ही कॉम्बिनेशन, यानी 5 फीट की वॉल बनानी है उसके कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, तो जितने भी 4 फुट के पॉसिबिलिटीज है प्लस जितने भी 3 फिट के पॉसिबिलिटी, इतने पॉसिबिलिटी मिलकर 5 फिट के हो गए। अगर ये लॉजिक सही है तो 6 फिट की वॉल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितने भी 5 फिट के होंगे प्लस जितने भी 4 फिट के होंगे, 5 फिट के हर कॉम्बिनेशन में एक ईंट, 1 फिट की ईंट लगा दो, 4 फिट के हर कॉम्बिनेशन में 2 फिट की ईंट लगा, उतने कॉम्बिनेशन में 6 फिट बन गए। ये जो प्रॉब्लम ये ईंटों में जो कंस्ट्रक्ट किया है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो था वो हेमचंद्र का प्रॉब्लम था, पोएटिक मीटर, पोएटिक मीटर समझते हैं आप, पोएम्स होते हैं, शार्दुल विक्रीडित ऐसा छंद होता है, गाने वाने म्यूजिक, म्यूजिक में बीट्स होते हैं, तो वो जो पोएटिक छंद है वो सिलेबल से बनते, एक छोटा सिलेबल एक बड़ा सिलेबल, आ आ, ये दो सिलेबल्स, दीर्घ और रस, समझ ली, अब वो बीट्स बोलते हैं उसको, तो लॉन्ग सिलेबल को बोलते हैं, हमने एल से रिप्रेजेंट किया, 2 बीट्स का होता है, शॉर्ट सिलेबल होता है 1 बीट, ये एक एग्जाम्पल है पोएटिक मीटर का। कुछ लोगों ने यह कविता शायद बचपन में सुनी होगी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जिस तरीके से आप बोलेंगे या गाएंगे उसमें देखिए तुषार हार ऐसा उच्चार होता है, उसे लॉन्ग बीट और शॉर्ट बीट हो जाता है। तो ये जो बीट्स हैं वो ये बीट का पैटर्न होता है, इसीलिए कोई कविता जो छंद में लिखी हो तो सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि हर लाइन में वही पैटर्न रिपीट होता है। अब हेमचंद्र का प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं 8 बीट का पोएटिक मीटर बनाना, ये 19 बीट का है, 8 बीट का पोएटिक मीटर में बनाना चाहता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज कॉम्बिनेशंस इन विच आई कैन फिल अप दीज 8 बीट्स, शॉर्ट 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 लॉन्ग शॉर्ट 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 लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट, कितने भी कॉम्बिनेशन, शॉर्ट और लॉन्ग क्या हुआ, 1 फीट की ईट 2 फीट की ईट, बिल्कुल वही वही प्रॉब्लम। लेकिन ये सबसे पहले हेमचंद्र को जब ये प्रॉब्लम आया था तो उसने कहा कि अरे भाई ये तो सिंपल है,
ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची की करने की जरूरत नहीं है. इट इज इनफ टू ऑब्जर्व दैट द लास्ट बिट इज लॉन्ग और शॉर्ट. यानी 8 बिट के कितने भी कॉम्बिनेशन हो, टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे ये पता करने के लिए बाकी सब झमेला देखने की जरूरत नहीं है. खाली आखिरी बिट देखो, आखिरी बिट शॉर्ट है या आखिरी बिट लॉन्ग है ये देखो. क्यों? मैं इसके लिए आपको वापस मैं ब्रिक्स के उदाहरण की तरफ ले जाना चाहूँगा. ये देखिए, ये सब है इसमें ये शॉर्ट बिट है आखिरी वाली, और ये सब है इसमें सब लॉन्ग बिट है. अगर ये पता चल गया कि कितनी शॉर्ट बिट्स है, तो शॉर्ट बिट के जो कॉम्बिनेशन है वो पहले वाले के सब कॉम्बिनेशन होंगे. ये पता चल गया कितनी लॉन्ग बिट है, तो जितने भी लॉन्ग है वो उसके पहले वाले. ये करके उसने, और उसने ये कहा कि देखिए ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये मेरी मेथड नहीं है, ये कोई तो भी एक ऋषि पिंगल हो गए थे उन्होंने बताया कि ऐसा लास्ट बीट आप अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कॉम्बिनेशन. अब जो हेमचंद्र जो साइंटिस्ट हुआ है वो सन 1000 में हुआ था, ईस्वी सन 1000 के आसपास, 1010 1020 वो किसी राजस्थान के किसी प्रांत में कोई तो भी मैथमेटिशियन था, वो किसी और से कांटेक्ट किया ऐसा करके उन्होंने लेख लिखा. और हेमचंद्र ने लिख के रखा है भाई ये प्रॉब्लम जो मुझे सूझा सॉल्यूशन वो मेरा नहीं है, ये पिंगल का. मैथमेटिशियन पोएट 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने. तो ये जो रानेड़े साहब ने लिखा ये मैं लिख रहा हूं आपको बताने के लिए. हेमचंद्र इज गिविंग क्रेडिट टू समवन हु लिव्ड मोर देन 1000 ईयर्स बिफोर हिम. मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉपी इफ नेसेसरी एंड इफ परमिटेड बट ऑलवेज गिव क्रेडिट. ये मैं आपको खास बताना चाहता था ये सेंटेंस. क्यों? आजकल तरीका यह है कि कोई असाइनमेंट सबमिट करना है ह्यूमैनिटीज़ में या हिस्ट्री में कहीं, चलो नेट पे जाओ, विकिपीडिया देखो, ये देखो, कट पेस्ट 10 पेज का रिपोर्ट बन गया, बढ़िया इंग्लिश, मेरे को भले ही समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा रिपोर्ट. गलत है. अगर वो करना परमिटेड है तो ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद में लिखें दिस पोर्शन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया, दिस पेज, दिस पोर्शन टेकन फ्रॉम हिम. इस कायदे से तो अगर लैब में आप किसी का जर्नल कॉपी करते हैं लेबोरेटरी के लिए और सबमिट करते हैं तो उसमें लिख देना चाहिए दिस पोर्शन टेकन फ्रॉम हिम. यानी आप तो डूबोगे ही वो भी डूबे. इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए. जहां परमिटेड है वहां जरूर करें, और करने के बाद एक्नॉलेज करें. जहां परमिटेड नहीं है वहां एक्नॉलेज नहीं, ठीक है? ये उनका सार. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट हेमचंद्र सॉल्यूशन जो है ना, उसने कहा 8 बिट का पैटर्न कैन बी मेड बाय टेक एनी 7 बिट पैटर्न एंड ऐड ए शॉर्ट बिट, और टेक एनी 6 बिट पैटर्न एंड ऐड ए लॉन्ग बिट. सेम थिंग दीवार वाला हिसाब है. दस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 8 बिट पैटर्न इज सिंपली नंबर ऑफ 7 बिट पैटर्न प्लस नंबर ऑफ 6 बिट पैटर्न. यानी टोटल नंबर ऑफ 8 बिट पैटर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ 7 बिट पैटर्न प्लस नंबर ऑफ 6. यही किसी भी चीज के. अब ठीक है भैया, ये फॉर्मूला सॉल्व करना है तो व्हाट इज नंबर ऑफ 7 बिट पैटर्न? नंबर ऑफ 7 बिट पैटर्न इक्वल नंबर ऑफ 6 बिट पैटर्न प्लस नंबर ऑफ 5 बिट पैटर्न. व्हाट इज नंबर ऑफ 5 बिट पैटर्न? 4 प्लस 3. ऐसे धीरे धीरे व्हाट इज नंबर ऑफ 2 बिट पैटर्न? व्हाट इज नंबर ऑफ 1 बिट पैटर्न? वो तो सिंपल है, मैं लिख दूंगा. व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ 1 बिट पैटर्न? ओनली 1. व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 बिट पैटर्न? नो, 2 बिट पैटर्न 1 1 and 2. 2 bit pattern is 2, 1 bit pattern is 1. But एक बार ये दो चालू हो गए आपकी सीरीज किक स्टार्ट हो गई. What is the number of 3 bit patterns? The total number of 2 bit patterns plus total number of 1 bit pattern. और इस तरह से ये जो सीरीज बनती है ये हेमचंद्र की सीरीज थी. HN is equal to HN is H7 plus H6. In general HN is equal to HN minus 1 plus HN. Does this help to compute H8? For example, we need to know H7, H6. For which we need to know H5, etc. यानी कहीं से भी स्टार्ट होनी चाहिए. ये देखिए स्टार्ट कि H1 नंबर ऑफ पैटर्न्स विद 1 बिट 1, H2 नंबर ऑफ पैटर्न्स विद 2 बिट 2. ये देखिए लिखा है शॉर्ट शॉर्ट 1 लॉन्ग. H3 नंबर ऑफ पैटर्न्स विद 3 बिट्स. इसमें देखिए एक
ये दोनों लिए उसमें एक एक बिट ऐड किया, एस एस शॉर्ट और एल शॉर्ट, ये उसके कॉम्बिनेशन, और इसमें एक एस था उसको एक लॉन्ग लगा, तो तीन हो गए बिल्कुल वो दीवार वाले तरीके। इस तरह से करते जाए आप, तो ये जो नंबर आते हैं, ये नंबर जो है ये प्रोग्राम लिखा। अब यहाँ देखिए, आपने एच प्रीव लिखा था और एच प्रीव प्रीव लिखा था। मैंने मेरी क्लास में एच प्रीव इक्वल टू एच वन लिखा है, एच करंट इक्वल टू टू लिखा है और एच नेक्स्ट लिखा है, जो अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वही हो गया। आप नाम कोई भी दे दो। अब मैं यहाँ पे फॉर थ्री टू एन में इटरेशन चला रहा हूँ, एच नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, एच प्रीव प्लस एच करंट नया इटरेशन, और एच प्रीव इक्वल टू एच करंट इक्वल टू एच नेक्स्ट वापस कर, और उसके बाद में आखिरी में मैं एच नेक्स्ट छाप रहा हूँ। क्योंकि ये सवाल क्या था, सवाल ये था कि कंप्यूट एच एन, एच एन आप कैलकुलेट करें, ये सवाल एन दिया हुआ है, एनथ नंबर कैलकुलेट करें। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एन दिया हुआ है, एन के नीचे के सब नंबर कंप्यूट कर रहे हैं, दो अलग अलग सवाल। वी आर कैलकुलेटिंग ऑल नंबर्स अप टू एन, हियर वी आर कैलकुलेटिंग एनथ नंबर इन दी सीरीज एंड दैट कैन बी कंप्यूटेड। ये वेरिएशन है इसी थीम का, समझ गए ना। लेकिन ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये सीरीज को आप जानते हैं फिबोनाची नंबर सीरीज, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स फ्रॉम पोएट्री उसने हेमचंद्र से निकाला था, उसने ऑब्जर्व किया था कि बड़े सारे इसके एडवांटेज है इस सीरीज के। उसने कैलकुलेट किया था कि इनका जो रेशो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो कॉन्वर्ज हो जाता है। दुनिया आजकल उसे बोलती है गोल्डन रेशो, सुना है आपने गोल्डन रेशो का नाम। फिबोनाची सीरीज के आप नंबर्स लिखते जाए तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इफ़ यू टेक देयर रेशो, द नंबर्स में इंक्रीज बट द रेशो कॉन्वर्जेस टू ए वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड ए गोल्डन रेशो। जनरली द गोल्डन रेशो इज समथिंग विच हैपन्स इन नेचर वेरी मेनी टाइम्स एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लीजेंट टू द आईज। फॉर एग्जाम्पल टेक द डोर, टिपिकली द रेशो ऑफ विड्थ टू हाइट विल बी क्लोज टू गोल्डन रेशो। वेन इट इज क्लोज टू गोल्डन रेशो इट विल लुक प्लीजेंट टू द आईज। कितने दुनिया में आपको चीजें मिलेंगी। नाउ दिस इज द पॉइंट, दिस इज नोन एज फिबोनाची सीरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने भी अगर किताब में पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, फिबोनाची सीरीज ही पढ़ा है। किसी किताब में लिखा था हेमचंद्र सीरीज, नहीं लिखा, क्योंकि फिबोनाची ने आप जैसा गंदा काम किया, उसने कॉपी किया और बताया नहीं लोगों को। ही कॉपीड एंड ही डिड नॉट, ही एक्चुअली हैज रिकॉर्डेड समवेयर बट ही हैज रिकॉर्डेड इट इज ए दोज डेज। उन दिनों में हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी, किसने क्या सबमिट किया इजीली पता नहीं चलता था, वेब पे नहीं होता था सब, अपने किताबों में पोथी लिखते थे, कोई कुछ करते थे। इन दोज डेज इंडियन मैथमेटिशियंस वेयर इन कॉन्स्टेंट टच विथ मैथमेटिशियंस फ्रॉम अरबस्तान, फ्रॉम दैट एरिया, पर्शिया, इराक, सऊदी अरेबिया, दैट रीजन वॉज वेरी वेल कनेक्टेड एंड इंटरचेंज। देर वेर अरब मैथमेटिशियंस हु हैड स्टडीड द इंडियन मैथमेटिशियंस वेज ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स एंड दे हैड रिटन बुक्स ऑन हाउ इंडियंस डू मैथमेटिक्स। Now this Fibonacci was a son of a very noble person, a senior person, who was posted in North Africa, which is the Arabian region. His father was posted there. So Fibonacci was in touch with these people and he liked their mathematics so much that he studied that maths from the Arabian experts. Later on when he came back to Italy, he has written in his own diary that this method of calculating this series he found from an Arabian teacher who had told him that he had found it from an Indian mathematician. Lekin ye usne apni diary mein likha, chhap di series, Fibonacci naam ho gaya. Ab aaj tak usko Fibonacci bolte hain. Aur hamara durbhagya ye hai ki agar Firangi naam ho to hum sochte hain sahi hai, Hindustani naam ho to hum sochte hain gadbad hai. We have forgotten to be proud of ourselves. Do you agree that this is wrong?
Do you know who is resurrecting the Indian inventions of yesteryears and putting them rightfully Indian names? There are only a few small group of professors across the country. One of them is in our institute. He is a professor of humanities department. He teaches his subject, but his passion is ancient Indian science and mathematics. And he goes around the world giving documentary evidence that you are calling this by, say, Isaac Newton, this. Now, I agree Newton has done great things, but this particular thing is not Newton. Scientists so and so in 8th century had done this in India. This is the evidence. The moral of the story is that, first of all, it is wrong to assume, to go to another extreme, saying, jo bhi hua Hindustan mein prachin kal mein hua tha. Ye bhi gadbad hai, galat. जब तक प्रूफ नहीं है हम नहीं ऐसा बोल सकते. द फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट गुड वर्क विल हैपन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. वेर एवर देर आर स्मार्ट पीपल, दे स्पेंड टाइम, दे थिंक, दे विल डू गुड वर्क. इट कुड बी यू, इट कुड बी फिबोनाची, इट कुड बी एनीवन. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट गुड वर्क ऑफ एवरीवन एंड वी शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ गुड वर्क डन बाय आवर एंसेस्टर्स. दोनों ही करना चाहिए, ठीक है. इसलिए मैं आपका इतना समय लिया, लेकिन आई होप यू एग्री विथ मी इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग अदर देन प्रोग्रामिंग. ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. सो विल स्टॉप दिस डिस्कशन हियर नाउ. हैव यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू डू दैट? ओके. द अदर वन इज द एबिलिटी टू राइट अ फंक्शन. वी हैड सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग फंक्शंस. यू आर एबल टू write functions now for any work. How will you write a function? You will have a return type for the function, float something, int something, depending upon what function value has to be calculated. Then after that, the name of the function, then parameters, and once you put the parameters in place, then you write what is to be done with those parameters. You will do the calculations and return a single value. Then in the main program, you will write to read whatever values you want to calculate, call this function, get back the value, call this function, get back the value. Humne ek program yahan pe likha tha, yaad hai aapko? Wo, haan, polynomial ka kuch. Oh, polynomial ho, dusra koi bhi ho, jo function ho, usko likh sakte hain aap. Theek. Ye Fibonacci series aapne dekha, aisa jaise maine kaha, koi bhi series ho, teen term ki series ho, to aap teen values calculate kare. वो टर्म्स को निकाल के छापना है तो इस तरह छाप दें. अगर आपको एरे में डालना है तो इस तरह डाल दें. मान लीजिए आपको एन से कम नंबर सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे. अच्छा, मान लीजिए आपको बोला कि सब नंबर्स नहीं डालें, अल्टरनेट नंबर डालें. अल्टरनेट नंबर एक एरे में डालें और बचे हुए अल्टरनेट नंबर दूसरे एरे में डालें. हो गई गड़बड़, लेकिन कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. लेकिन आपको आइडिया तो पता चल गया ना क्या कर. अगर दो एरेज में अल्टरनेट नंबर डाले हैं, दोनों एरेज शुरू कर दीजिए. अब एक नंबर इधर जाएगा, एक नंबर उधर जाएगा, तो कोई तो भी एक फ्लैग रखिए. फ्लैग जीरो होगा तो इधर, वन होगा तो इधर. इसके अंदर यहाँ पे असाइनमेंट की जगह यहाँ पे इफ आ जाएगा. इफ समथिंग एस नम के प्लस प्लस इक्वल टू दिस, एल्स एस टू नम जे प्लस प्लस इक्वल टू दैट. वो दोनों के इंडेक्स भी अलग रहेंगे, उसमें फिर और भी गड़बड़ हो सकती है. मान लीजिए दो एरे हैं. अब ये अपन ने ये किया कि एन से कम सब नंबर इकट्ठे करना. लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा बताया गया कि ये नंबर खत्म ही हो गए, एक एरे भर गई, दूसरी एरे खाली है, तो बाकी के नंबर आप उस एरे में डालेंगे. अब देखिए इस प्रॉब्लम को कितने अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है. वैसे इतना सिंपल चीज तो आप समझ गए ना, बस आगे आप सोचिए. ठीक. अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में आपको पूरा क्लैरिटी है कैसे किया जा सकता है. एक ही सवाल मैं आपको दूंगा.
ये कोई तो भी आई और जे वाला एलिमेंट है। अब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसके जो भी नेबर्स हैं उनमें कौन कौन हैं। आपको याद है वो करना, आपको अगर बोला इनकी टोटल निकालो तो निकाल सकते हैं, आपको अगर बोला सबके सब जीरो है या वन है निकालो तो कर सकते हैं। ये नागेश साहब ने भी आपको बताया था। किसी भी टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में हमेशा ख्याल रहे आई एंड जे टू इंडेक्सेस और जे एंड के और के एंड एल विच एवर यू यूज, बी वेरी केयरफुल हाउ यू चेंज द वैल्यूज एंड यू हैव टू एश्योर दैट द वैल्यूज डोंट क्रॉस द बाउंड्रीज। वो जीरो एक तरफ है, एन माइनस वन दूसरी तरफ, जे इक्वल टू जीरो एक तरफ है, एम माइनस वन दूसरी तरफ, उसके बीच में आना चाहिए। एंड इफ यू आर लुकिंग एट नेबर्स देन यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट दैट नेबर्स शुड नॉट लाई ऑन द बाउंड्री और इन द कॉर्नर्स। ठीक है, दैट यू विल बी एबल टू। एक मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया है मैंने, एरे दिया है, अब इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? ये मेन डायगोनल होगा एक, इसके बाजू में ये डायगोनल होगा, इसके बाजू में ये डायगोनल होगा। जरा मुझे ये मान लीजिए, ये जो एरे है ये पी एरे है 500 टू डायमेंशनल एरे, और इसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। सो नाउ टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट। बताएं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट? जीरो जीरो, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट? सो ये चार कॉर्नर के क्या बराबर है? ये अब ये जीरो जीरो होगा। अगर एम रोज है और एन कॉलम्स है तो ये जीरो एथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये एन माइनस वन एथ कॉलम होगा, जीरो एन माइनस, ये एम माइनस वन जीरो, ये एम माइनस वन एन माइनस, ये होगा। अब जो डायगोनल एलिमेंट हैं, मेन डायगोनल, उसको क्या क्वेश्चन रहेंगे उसको? मान लीजिए आप कोई तो भी एक लूप लगाए आई और जे, तो डायगोनल एलिमेंट कैसे स्कैन करें? मान लो आपको सवाल दिया फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, आप मेन सवाल तो पूछ ही नहीं रहे मुझे। एम बाय एन मैट्रिक्स में डायगोनल होगा क्या? क्या होगा डायगोनल? निकाले डायगोनल। अरे भाई, मान लीजिए आपके घर में यह कमरा है, मेरे घर में यह कमरा है, मेरे कमरे में मुझे गालीचा लगाना और वो गालीचा वाला बोलता है आप डायगोनल का नाम दे दो मैं कमरा दे दूँ, मैंने उसको ये नाम दे दिया, उसने मेरे को गालीचा लगा के डाल दिया मेरे। अब आपके पास गालीचा वाला है, उसके बोला डायगोनल का नाम दो, क्या दोगे आप? है ही नहीं डायगोनल। एक है डायगोनल, वो डायगोनल ऐसा विचित्र है, वो डायगोनल का नाप देंगे तो पता है गलीचे वाला क्या देगा आपको? वो कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी गलीचा दे देगा, क्योंकि उसके गलीचे तो सब स्क्वायर ही बनते हैं और वो डायगोनल जो साइज इधर है वो साइज उधर बना के रखा दे। अब क्या करोगे, कैसे लगाओगे आप गलीचे? एक कर सकते हो टुकड़े टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा। That is not a good way of fitting galicha on your carpet, right? So generally the problems would be square matrix. If the matrix is square, it is possible that all of this will be n by n. Let us say it is n by n. Now you can access the diagonals. Okay. Suppose there is a problem which says that now how many diagonals are there? The main diagonals are two, but there are shorter diagonals. For example, this is also a diagonal. This is also a diagonal. This is also a diagonal.
बट दिस डायगोनल इज ओनली वन एलिमेंट. नेक्स्ट डायगोनल होगा उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे? दो रहेंगे. इसका क्या ये रहेगा? जीरो एन माइनस टू. और इसका क्या रहेगा? वन और एन माइनस वन. उसके पहले वाला रहेगा जीरो एन माइनस थ्री, वन एन माइनस वन, नहीं वन एन माइनस टू और टू एन माइनस वन. यानी आप ऐसे सब डायगोनल स्कैन कर सकते हो, इजंट इट? आपके डायगोनल का जो फर्स्ट जो है वो जीरो से चलेगा, इतने सारे डायगोनल आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आएंगे, फिर ये कम कम होता जाएगा. अब मान लीजिए आपको एक सवाल पूछा कि ऐसे डायगोनल दिए हैं आप, ऐसा मैट्रिक्स दिया है, वो आपको याद है हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, मैट्रिक्स लगा के कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स के में डाल दिए, राइट हैंड साइड में डाल दिया, और वो हमने देखा था एक मेथड. व्हाट वाज दैट मेथड कॉल्ड? गॉस एलिमिनेशन. एंड वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ वो जो मेन मैट्रिक्स होता है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप जिस फील्ड में काम करते हैं, एरोस्पेस, मैकेनिकल, केमिकल, कहीं भी सिविल, आपको ये अलग अलग टाइप के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेंगे दुनिया में, आपके साइंस, आपके टेक्नोलॉजी. और वो जो मैट्रिक्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा. सॉल्यूशन तो ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने में मुश्किल हो जाएगी. मान लीजिए इतना बड़ा मैट्रिक्स है, 10,000 बाय 10,000, स्टोर नहीं कर पाओगे. लेकिन कई बार जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है वो पूरी की पूरी भरी नहीं रहती, थोड़े से ही कुछ वैल्यूज रहते हैं नॉन जीरो, बाकी सब जीरो रहते. उन मैट्रिक्स को बोलते हैं बैंड मैट्रिक्स. बैंड तो सुना होगा, क्यों? बैंड बाजा वाला बैंड नहीं है, ढोलक वाला बैंड, यानी पैच, ए पैच. सो फॉर एग्जाम्पल देर में बी ए मैट्रिक्स इन विच ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स, दीज थ्री रोज हैव नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऑल अदर्स आर जीरो 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 जीरो. देर इज ए मैथमेटिकल टेक्निक कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जब आप करते हैं, यानी क्या, कोई तो भी एनी यू टेक ए सरफेस और यू टेक एनी मटेरियल, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑन द मटेरियल. एरोस्पेस आप बॉडी बनाते हैं ना, वो बॉडी के ऊपर कैसे स्ट्रेस आएंगे उसका कैलकुलेशन करना, तो पूरा जो सरफेस एरिया उसका एकदम इकट्ठा कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाता. आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखेंगे वो छोटे छोटे स्ट्रिप पे लिखते हैं. वो ऐसा मान लीजिए पूरा सरफेस है, उसको एक छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया आपने, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट पे अलग अलग कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते. तो उसमें क्या होता है कि ये जैसा ये अरे ये जो एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट का जो है इसका नेबर का क्या है और इसका नेबर का क्या, इसके ऊपर ही खाली डिपेंडेंट है, बाकी और एलिमेंट्स से उसे कोई लेना देना नहीं. तो इससे जो इक्वेशन आएगी ना, तो ये एलिमेंट के लिए इसके कुछ क्वेश्चंस, खुद इसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा. तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस, बाकी कुछ नहीं. तो इस तरीके का ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें वो एन बाय एन मैट्रिक्स, भले एन आपका 10,000 हो, लेकिन उसमें सब वैल्यूज भरी नहीं रहती, मोस्टली जीरो रहती है. हालांकि वेरिएबल्स 10,000 है, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो छोटी मैट्रिक्स होती है, बैंड मैट्रिक्स. अब अगर ऐसी बैंड मैट्रिक्स हुई तो उसको स्टोरेज भी आप इतने ही एलिमेंट स्टोर करना, कैलकुलेशन भी अलग ढंग से करेंगे. अगर आपको पहले से मालूम है कि इतने सारे लल्लू लोग जीरो हैं, तो आप उसको ना गुणा करोगे ना भाग करोगे, कुछ होने वाला नहीं उससे. सो दोज कैलकुलेशंस आर ऑफ ए डिफरेंट टाइप, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेदर ए मैट्रिक्स इज अ बैंड मैट्रिक्स और नॉट टू बिगिन विद. हाउ विल वी नो? मान लीजिए आपको ये सवाल दिया गया कि एक मैट्रिक्स दिया है n बाय n, आप ये बताइए कि क्या ये बैंड मैट्रिक्स है, और अगर बैंड मैट्रिक्स है तो बैंड की चौड़ाई कितनी है.
कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द बैंड, फर्स्ट इज इट अ बैंड मैट्रिक्स एंड सेकंड हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द बैंड. व्हेन वी आर टॉक अबाउट डायगोनल्स वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मेजर डायगोनल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल पॉसिबल. नाउ हाउ मेनी बैंड्स कैन बी देयर, इट कैन बी वन इन विच केस दिस इज द बैंड, इट कैन बी थ्री दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, इट कैन बी फाइव फोर एंड फाइव. There may be a band which is only in this portion. That is also possible. There could be a band which is only in this portion. Now, how will you determine कि band है कि नहीं है? कैसे पता करोगे? आपको iterations लगाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि diagonal पे element non-zero तो नहीं है. अगर zero है वो diagonal गया. अगर band matrix है तो ये बैंड जो है वो एक के साथ एक चिपका रहेगा. तो यहाँ से देखना शुरू करने की बजाय आप यहाँ से देखना शुरू करें. पहले तो मेन डायगोनल है कि नहीं, वो भी नहीं हुआ तो मैट्रिक्स ही बेकार है. सिंगुलर मैट्रिक्स जीरो ही है अगर सब इसमें है तो बैंड हो ही नहीं सकता कोई. तो मान लीजिए ऐसा मान के चलते कि जो बैंड जो है वो सेंट्रल डायगोनल के अक्रॉस, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये नॉन जीरो है. इसके ऊपर वाला बैंड अगर नॉन जीरो हुआ तो इसके नीचे वाला भी बैंड नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सिमेट्रिक है बैंड. मान लीजिए ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसके ऊपर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ गए. जाहिर है इसके आगे सब जीरो ही होना चाहिए अगर वो बैंड मैट्रिक्स. तो अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें पहले मेन डायगोनल से, उसके बाद ऊपर वाले डायगोनल को देखें, देखते जाएं, कहीं भी अगर कोई डायगोनल मिल गया जहाँ सब जीरो हैं तो बैंड खत्म हो गया उधर. और चूंकि हमें दे रखा है प्रॉब्लम ने कि भैया ये सिमेट्रिक बैंड है तो उतने ही डायगोनल नीचे तरफ हो गया आपका. ओके विल स्टॉप नाउ. ओके ठीक.